ओम शांति। 9 जून 2022। मीठे प्यारे बाप दादा के आज के मधुर महावाक्य। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीज़ें, प्याज आदि भी नहीं खाना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना व मूंझना नहीं है? उत्तर, अगर चलते चलते इस पुराने शरीर को कोई तकलीफ होती है, बीमारी आदि आती है, तो इससे डरना व मूंझना नहीं है और ही खुश होना है, क्योंकि तुम जानते हो यह कर्म भोग है, पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। हम योग बल से हिसाब किताब नहीं चुकतू कर सके तो कर्म भोग से चुकतू हो रहा है, ये जल्दी ख़त्म तो हो अच्छा है। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। निराकार भगवान उवाच, उनका तो एक ही नाम है, शिव भगवान उवाच। यह कहना पड़ता है समझाने के लिए, पक्का निश्चय कराने के लिए। बाप को कहना पड़ता है, मैं जो हूँ मेरा नाम कभी नहीं बदलता। सत्युग के जो देवी देवताएं हैं वह तो पुनर्जन्म में आते ही हैं। बाप इस तन से बच्चों को समझा रहे हैं, तुम रूहानी यात्रा पर हो, बाप भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है, कोई भी नहीं जानते। ब्रह्मा तन में परम पिता आते हैं, बच्चे भी गुप्त हैं। सब कहते हैं हम शिव बाबा की संतान हैं, तो उनसे वर्षा लेना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। यह तो निश्चय है ही कि वह हमारा सुप्रीम बाप, टीचर, सतगुरु है। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। हम निराकार शिव बाबा के स्टूडेंट हैं, वह हमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवान उवाच, हे बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मेयर तो ऐसे नहीं कहेंगे, हे बच्चे, सन्यासी भी ऐसे कह न सके। बच्चे कहना तो बाप का ही फर्ज है, बच्चे भी जानते हैं हम निराकार बाप के बच्चे हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, प्रजापिता अक्षर न डालने से मनुष्य मूंझते हैं, समझते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, वह फिर यहाँ कहाँ से आया। कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, फिर गुरु भी कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब विष्णु व शंकर तो गुरु है नहीं, समझते हैं शंकर पार्वती को कथा सुनाते हैं तो गुरु ठहरा, गुरु विष्णु भी नहीं है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण गुरु बनते नहीं हैं। कृष्ण को भी बड़ा गुरु, गीता का भगवान बना दिया है, लेकिन भगवान एक है, यह बात तुम बच्चों को सिद्ध करना है। तुम गुप्त सेना हो, रावण पर जीत पाते हो, अर्थात माया जीते जगत जीत बनते हो। माया धन को नहीं कहा जाता, धन को संपत्ति कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब मौत सामने खड़ा है, यह वही 5000 वर्ष पहले वाले अक्षर हैं, सिर्फ निराकार भगवान उवाच के बदले साकार कृष्ण का नाम लिख दिया है। बाप कहते हैं यह नॉलेज जो तुमको अभी मिलती है, यह है भविष्य प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई फिर नॉलेज की दरकार नहीं, यह नॉलेज है ही पतित से पावन बनने की। पावन दुनिया में फिर किसी को गुरु करने की दरकार नहीं। वास्तव में गुरु तो एक ही परम पिता परमात्मा है, पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो समझाना चाहिए ना, वही सुप्रीम गुरु है। सर्व का सदगति दाता राम गाया जाता है, तो वे ज़रूर तब आएंगे जब सभी दुर्गति में हैं। वहाँ तो है शीर सागर, सुख का सागर,
विषय वैतरणी नदी वहाँ होती नहीं। विष्णु क्षीर सागर में रहेंगे तो ज़रूर उनके बच्चे भी साथ रहेंगे। अभी तुम ब्राह्मण कुल के हो, फिर विष्णु कुल के बनेंगे। वह कंप्लीट वैष्णव है ना? देवताओं के आगे कभी बेकायदे चीज़ प्याज आदि नहीं रखेंगे। फिर से ऐसा देवता बनना है तो यह सब छोड़ना पड़ेगा। यह है संगम युग। समझाया गया है तुम ब्राह्मण ही संगम पर हो, बाकी सब कलयुग में हैं। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक समझ नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूँ, वे समझते ही नहीं। यह कोई संगम है? दुनिया बदलती है ना, गाते भी हैं परंतु कैसे बदलती है यह कोई भी नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ मुख से कह देते हैं। तुम अच्छी रीति समझते हो, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाप को याद करना है, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाना है। बाबा ने बिगर शरीर भेजा था, फिर वैसे ही जाना है। यहाँ आए हैं पाठ बजाने, यह है गुप्त मेहनत। बाप और वर्षे को याद करना है, तुम घड़ी घड़ी ये भूल जाते हो। बाबा को भूलने से माया की चमाट लग जाती है। यह भी खेल है अल्लाह अवलदीन का, दिखाते हैं ना। अल्लाह ने अवल धर्म स्थापन किया, ठका किया और बहिष्ट मिला। यह धर्म कौन स्थापन कर रहे हैं? अल्लाह ने पहला नंबर धर्म स्थापन किया। हाथ मताई का भी खेल दिखाते हैं। मुख में मोहर्रा न डालने से माया आ जाती है। तुम्हारा भी यह हाल है। बाप को भूलकर और सभी को याद करते रहते हो। अब तुम बच्चे जानते हो हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। दुख धाम को भूल जाने का पुरुषार्थ करो। यह तो सब खत्म हो जाने का है। हम लखपति हैं, ऐसे हैं, यह बुद्धि में नहीं रखना है। हम तो हैं ही अशरीरी, यह तो पुरानी चीज है। इस पुरानी जुती ने बड़ा दुख दिया है। जितना बीमारी जास्ती हो खुशी होनी चाहिए, नाचना चाहिए। कर्म भोग है, हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है, इससे डरना नहीं है। समझना चाहिए हम योग बल से विकर्म विनाश नहीं कर सकते हैं तो कर्म भोगना से चुकतू करना पड़े, इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। यह तो शरीर पुराना है, यह जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। और फिर तुम्हारी 7 रोज की भट्टी भी मशहूर है। 7 रोज अच्छी रीति समझकर बुद्धि में धारण कर फिर भल कहाँ भी चले जाओ। मुरली तो मिलती रहेगी, वही बस है। बाप को याद करते चक्कर फिराते रहो। 7 रोज में स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 7 रोज का पाठ भी रखते हैं, 7 रोज मशहूर हैं। ग्रंथ भी 7 रोज रखते हैं, भट्टी भी 7 दिन की है। ऐसे नहीं जो आवे उनको 7 दिन के लिए कहना है। मनुष्य की रग भी देखनी होती है। पहले ही 7 रोज का कोर्स कहने से कोई तो डर जाते हैं, समझते हैं हम रह नहीं सकते तो क्या करेंगे, चले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को देखना पड़ता है। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए, पहले तो जांच करनी चाहिए कितने दिन के लिए आए हैं। फट से 7 दिन कहने से डर जाते हैं। 7 दिन कोई दे नहीं सकते। सर्जन कोई ऐसे होते हैं जो नब्ज देखकर झट बताते हैं कि यह तुमको बीमारी है। यह भी तो तुम्हारा अविनाशी ज्ञान सर्जन है। तुम बच्चे भी मास्टर सर्जन हो। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तुम कहते हो 1 सेकंड में मनुष्य को जीवन मुक्ति मिल सकती है, तो कोई भी कहते हैं जब 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है तो 7 रोज क्यों कहते हो? सेकंड की बात बताओ। डर जाते हैं,
हम तो नहीं रह सकते, इसलिए पहले नफ्स देखनी चाहिए। सबके लिए एक ही बात नहीं हो सकती, बहुत बच्चे डिससर्विस कर देते हैं। फार्म भराने समय नब्ज देखकर पूछना होता है, कितना दिन ठहर सकेंगे वह भी पूछना होता है। अच्छा यह तो बताओ, सबका भगवान एक है ना, परमपिता से तुम्हारा क्या संबंध है? पहले तो इस बात पर समझाना होता है कि वह बाप है, हम बच्चे हैं। बाप तो वर्षा देते हैं, स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, स्वर्ग का रचयिता है, अभी तो नर्क है। भारत स्वर्ग था, विश्व के मालिक थे, देवी देवताओं का राज्य था, तो माया ने राज्य छीन लिया है। अब फिर माया पर जीत पाकर राज्य लेना है। पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तो ज़रूर पावन दुनिया स्थापन करनी होगी। थोड़ा इशारा देना चाहिए, फिर आगे चलकर उन बातों को समझते जाएंगे। आज नहीं तो कल आ जाएंगे। जाएंगे कहाँ, एक ही हट्टी है सदगति मिलने की। परम पिता परमात्मा शिव बाबा की एक ही हट्टी है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलनी है। हट्टी देखो कैसी है, जिसके तुम सेल्समैन हो। जो अच्छा सेल्समैन होगा तो पद भी अच्छा पाएगा। सेल करने का भी अकल चाहिए, अगर अकल नहीं होगा तो वह क्या सर्विस करेगा। पहले तो निश्चय बिठाओ, फिर 7 रोज की बात। अरे बाप तो वर्षा देने आए हैं, भारत सुख धाम था, अभी भारत दुख धाम है। फिर सुख धाम कैसे बनता है, कौन बनाते हैं? पहले रास्ता बताना है। हम आत्माएं शांति धाम की रहवासी हैं, फिर आते हैं पार्ट बजाने। अभी बाप कहते हैं बच्चे वापस घर जाना है। बाप को याद रखने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारे उड़ने के पंख जो टूट गए हैं वे मिलते रहेंगे। तुम चले आएंगे मेरे पास, बाप ही आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, यह कमाई बड़ी ज़बरदस्त है। बाप को याद करने से 21 जन्म के लिए तुम निरोगी बनते हो, चक्र को याद करने से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। अभी तो दोनों नहीं हैं, तुम्हारे में भी नंबर वार हैं, कच्चों को माया झट खा जाती है। फिर भी आगे चल, स्मृति आएगी। पिछाड़ी में राजाएं भी आते हैं, सन्यासी आदि भी आते हैं, तुम कन्याओं माताओं ने ही बाण मारे हैं। यहाँ मंदिर भी एक्यूरेट बने हुए हैं, कुवारी कन्या का भी मंदिर है। अधर कुमारी का अर्थ थोड़े ही समझते हैं, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बीके बनते हैं उनको ही अधर कहा जाता है। कुमारी तो कुमारी ही है, तुम्हारे यादगार में पूरा मंदिर बना हुआ है। कल्प पहले भी तुमने सर्विस की थी, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा कितना भारी ज़बरदस्त इम्तिहान है, पढ़ाने वाला है भगवान। दिल्ली की पार्टी बाबा से छुट्टी ले अपने स्थान पर जा रही थी। बच्चे अच्छा ही रिफ्रेश होकर जा रहे हो, नंबरवार तो हैं ही, जो अच्छा समझते हैं वे अच्छा समझाते भी हैं। यह तो बच्चे समझते हैं, बाबा भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है, हम भी गुप्त हैं, कोई भी जानते नहीं हैं, ब्राह्मण लोग भी नहीं जानेंगे। तुम समझा सकते हो कि तुम तो कुख वंशावली, हम हैं मुख वंशावली। तुम पतित हो, हम पावन बन रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो ज़रूर नई दुनिया के हुए ना। सत्युग के देवताएं नई दुनिया के हैं या ब्राह्मण नई दुनिया के हैं? ब्राह्मणों की चोटी है ना, चोटी ऊपर या माथा ऊपर है, उसमें फिर शिव बाबा को भी गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो, बाप है फूलों के बगीचे का बागवान,
रावण को बागवान थोड़े ही कहेंगे। रावण तो कांटा बनाते हैं, बाबा फूल बनाते हैं। यह सारा कांटों का जंगल है, एक दो को दुख दे रहे हैं। बाप समझाते हैं किसको भी दुख नहीं देना है, क्रोध से बोलने से 100 गुना दंड पड़ जाता है, पाप आत्मा बन जाते हैं, उनके लिए सजाएं भी बहुत कड़ी हैं। बाप के साथ मददगार बनने की गारंटी कर और फिर डिससर्विस करते हैं तो उनके लिए बहुत कड़ी सजा है। बच्चा बन और फिर विकर्म किया तो 100 गुना दंड मिल पड़ेगा। इसलिए अगर हिम्मत हो तो श्रीमत पर चलो, नर से नारायण बनना है। ऐसे नहीं, अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, नहीं यह तो बहुत बड़ी माला है, मार्जिन बहुत है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है, गिरना है फिर संभलना है, हार्ट फेल नहीं होना है। शिव बाबा से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाने की यह एक ही हट्टी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए शिव बाबा की दुकान का अच्छा सेल्समैन बनना है, हर एक की नब्स देखकर फिर उसे ज्ञान देना है। दूसरा पॉइंट, क्रोध के वश हो मुख से दुखदाई बोल नहीं बोलने हैं। बाप का मददगार बनने की गारंटी कर कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। वरदान, नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूरत भव। विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नोंद है, लेकिन वे विघ्न असंभव को संभव की अनुभूति कराते हैं। अनुभूति आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं, अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में बाल आता है, ठोकर लगाते हैं, खेल खेलने में मज़ा आता है, ऐसे यह विघ्नों का खेल भी होता रहेगा। नथिंग न्यू ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। स्लोगन, सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो यह संसार सुखमय बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।